क्योंकि उनकी नीतियाँ, उनकी मैनिफेस्टो, उनकी विचारधारा, सबसे मेन चीज जो यूपी में चल रही विचारधारा सर। जी कह रहे हैं लाखों नौकरियाँ दे दें, उनमें से हमको भी दे दे तो हम भी जान जाए। तो वास्तव में योगी क्या कर सकता है ये विपक्ष देख सकता। तो शायद मेरी विचारधारा योगी जी की विचारधारा से मिल रही है। आज कोई हमें योगी सरकार की एक भी योजना बता दे जिसे आम जनमानस को लाभ हो रहा है। हम चर्चा करेंगे 2022 चुनाव को लेकर। जो हमारे साथ में है युवा, हर सरकारें युवाओं के बारे में सोचती हैं, उनको रोजगार देने की बातें करती हैं। आज यहाँ पे युवा मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि 2022 को लेकर किसको आप मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं। योगी आदित्यनाथ। क्यों? अच्छा काम है। क्या अच्छा काम है? जॉब नहीं दिए हैं, बाकी सारा अच्छा काम है। जैसे हम लोग जैसे अरे बहुत सारे काम हैं सर, बहुत सारे विकास कार्य किए। क्या क्या विकास कार्य किए? क्या क्या सड़कें भी बनवाई हैं। तो अभी भी अब गड्ढा युक्त जहाँ बह रहे हैं वहाँ तो नहीं है बहरहाल। और रह गई बात जॉब की, इनकी कमी है जिस चक्कर में हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो यह इनका कहना कि जॉब नहीं मिल रही योगी सरकार में। आपका नाम क्या? मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है। ये बताइए 2022 में किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? देखिए मुख्यमंत्री बनाना अलग बात है, और अभी जो विधानसभा या जो चुनाव होने वाले हैं इसमें अगर लड़ाई देखी जाए तो सीधे तौर पर दो पार्टियाँ हैं, भाजपा और सपा। बाकी पार्टियाँ भी विपक्ष में हैं, कांग्रेस और बसपा, जिन जो लड़ाई से बहुत दूर जा चुकी हैं। तो जो मेन लड़ाई होगी भाजपा और सपा के बीच होगी। हाँ, अगर आप कह रहे हो कि योगी जी ने क्या विकास किया है, तो विकास तो उनका सामने है। जो योजनाएं चली हुई हैं, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे वो मतलब कई सारी योजनाएं हैं, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट भर्ती हो, 57,000 जो भी हैं अभी जो वैकेंसियाँ हैं एसआई की, आने वाली लेखपाल की। तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, या ऐसा नहीं कि वैकेंसीज नहीं आई हैं। और रही बात मुख्यमंत्री की, तो लड़ाई कांटे की होगी इस बार। आप इसको पसंद करते सर? मैं पसंद, अगर मैं अपना पर्सनल बताऊंगा तो मैं योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट करूंगा, लेकिन लड़ाई इस बार बहुत अच्छी होने वाली है। योगी को क्यों पसंद करते हैं सर? क्योंकि उनकी नीतियां, उनकी मैनिफेस्टो, उनकी विचारधारा, सबसे मेन चीज़ जो यूपी में चल रही विचारधारा सर। क्योंकि सर अखिलेश यादव बहुत ही अच्छे नेता हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका सपोर्ट करता हूँ, लेकिन उनकी विचारधारा को सपोर्ट नहीं करता हूँ। वो जातिगत विचारधारा है सर, मैं उसको सपोर्ट नहीं करता हूँ। मैं उनको एज ए पॉलिटिशियन बहुत सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जातिगत राजनीति हो रही है ना यहाँ पे, उस चीज़ को मैं नहीं सपोर्ट करता हूँ। तो शायद मेरी विचारधारा योगी जी की विचारधारा से मिल रही है, इस वजह से मैं उनका सपोर्ट करता हूँ। महंगाई है इसमें? बिल्कुल, महंगाई तो सर बढ़ ही रही है ना, आज़ादी के बाद से महंगाई कब कम हुई है? पेट्रोल के दाम सर बता रहे हैं योगी ने बढ़ाए, मोदी ने बढ़ाए, कब कम हुए सर? क्या कांग्रेस की सरकार में कम हो गए थे क्या? ये बताइए। गैस सिलेंडर सस्ता था भाई, गैस सिलेंडर सर ये तो डिपेंड करता है आपका जो क्या नाम है, वैश्विक स्तर पर कैसा उसका रेट है। तो महंगाई सर योगी आ जाए, मोदी आ जाए, या आने वाले टाइम में अखिलेश यादव जी आ जाए, राहुल गांधी आ जाए, कहीं महंगाई नहीं कम होने वाली है सर, महंगाई बढ़ती ही रहेगी। हाँ, युवाओं को रोजगार, बस मैं वही बोलने जा रहा हूँ कि उस महंगाई से लड़ने के लिए रोजगारों नौजवानों सक्षम बनाए, जिससे उनके पास अपनी खुद का ऐसा सक्षम बन जाए कि उनके पास रोजगार हो, जिससे उस महंगाई से लड़ सकें। अगर वही सोचेंगे कि महंगाई को कम करें तो कम नहीं कर पाएंगे, ये जरूर कर सकते हैं कि नौजवानों को उस महंगाई से लड़ने के सक्षम बनाए, जिससे महंगाई का सामना अच्छे से कर सके। कहाँ पर फेल हो रही है सर योगी सरकार? जो मुझे लगता है कि इन्होंने वैकेंसी, जो अब तो कई सारी वैकेंसी इधर आ गई हैं नवंबर दिसंबर में, यही अगर बीच बीच में लाते रहते, खैर मैं उनको पूरी तरीके से दोष नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि 2020 और 21 में कोविड रहा है, ये सब जग जाहिर है। तो कोई सरकार चाह के भी कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि लॉकडाउन में कोई एग्ज़ाम नहीं करा सकता है सर। हम लोग सब सारे पढ़े लिखे हों, इतना तो सबको पता है कि कोई भी सरकार हो, अखिलेश जी की सरकार होती तो क्या लॉकडाउन में एग्ज़ाम करवा लेते? अगर वैकेंसी निकाल भी देते लोग, हम भी नौजवान ही हैं, हम भी तैयारी करने के यहाँ पे एग्ज़ाम देने के लिए आए आरओ में। लेकिन सर ये बताइए, अगर इन्होंने वैकेंसी निकाल भी देती, निकाल दिया होता, तो क्या एग्ज़ाम करवा लेते? नहीं ना, क्योंकि और वो था, मतलब कोविड था। तो इस वजह से मैं पूरी तरीके से दोष नहीं दे सकता हूँ इस सरकार को। हाँ ये है कि कुछ इनकी कमियाँ हैं, जिसकी वजह से इनकी सीट पहले की तुलना में कम होगी, लेकिन मैं मुझे ये लगता है कि अभी भी ये काफ़ी आगे हैं बाकी सरकारों से। ये इनका कहना था कि अभी भी योगी सरकार आगे। आपका नाम क्या? अखिलेश कुमार। जल्दी ये बताइए 2022 में किसको मुख्यमंत्री? एज अ मुख्यमंत्री मैं देखता हूँ अखिलेश यादव जी को। क्यों? क्योंकि उनके टाइम पे जो युवाओं को हमेशा रोजगार मिलता रहा है, वही बात, क्योंकि हम युवा हैं, हमको चाहिए रोजगार। हमें मुख्यमंत्री कोई भी बने, हमको चाहिए नौकरी। नौकरी जो उनके टाइम पे मिलती थी, समय समय पे देते रहते थे। इस टाइम योगी सरकार ने जी क्या है,
आज पेपर वैकेंसी तो निकलती है लेकिन कल को पेपर रद्द हो जाता है या फिर पेपर एक्सटेंड हो जाता है। ये तो अगले की सरकार में होता है, ऐसा आज तक कभी नहीं होता है, लेकिन इस तरीके से नहीं। योगी जी कह रहे हैं लाखों नौकरियां दे दें, उनमें से हमको भी दे दे तो हम भी जान जाए। आप उस लायक के होंगे तो मिली जाए नौकरियां नहीं मिली। I have done my MBA from बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, उससे मतलब नहीं है सर। आपने डिग्री ले रखी उससे मतलब नहीं। आपका नाम क्या? मेरा नाम अभय कुमार सर। मैं ये चाहता हूँ हुआ थोड़ा बदलाव दिन आया, क्योंकि हम लोगों ने योगी सरकार को देखा, मतलब पूरा देखा, ठीक है। ये मैंने कहूँगा वैकेंसी निकाली, लेकिन जिन्होंने जितनी भी वैकेंसी निकाली उसमें क्या हो जाता है, कुछ ना कुछ धांधली आती है या फिर अगर आती भी तो उसको उसमें डिले कर दिया था काफ़ी। इससे क्या हो रहा है, युवा पेपर तो देते हैं, लगता है कि हाँ सिलेक्शन नहीं होगा, फिर बैठे रहते हैं काफ़ी टाइम से। उससे क्या होता है, युवा डिमोटिवेट होता है। आपके हिसाब से मुख्यमंत्री कौन अच्छा रहेगा? सर मुख्यमंत्री मैं नहीं कहूँगा कौन अच्छा रहेगा, बस मैं चाहता हूँ कि बदलाव थोड़ा होना चाहिए, मतलब सपा को भी मौका मिले। सपा पार्टी मतलब पिछले कामों में अच्छा काम किया, मतलब अवसर प्रदान किया, भले हो ना हो पेपर ही डिले कराती है। आपका नाम क्या? नाम रंकेश शुक्ला। ये बताइए 2022 में मुख्यमंत्री नहीं, पुनः हम तो योगी जी को ही बनाना चाहते हैं। कारण ये रहा कि हमको चाहिए ऐसा है रोजगार, वो भी पारदर्शिता पूर्ण रोजगार। ऐसा नहीं है कि एक लिस्ट आई वो कहीं दूसरी जगह बैठ के फाइनल हो गई, कुछ लोगों को वहाँ सेलेक्ट कर लिया गया, उसके बाद उन सब टोटल वहाँ भर्ती हो गए। अब पिछली आपने TET परीक्षा देखी, उसका अंजाम भी जिन लोगों ने किया है वो भी देख रहे होंगे सभी लोग। तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब यह है कि पारदर्शिता रहनी चाहिए पूरी तरीके से। भ्रष्टाचार पे क्या है, जीरो टॉलरेंस की नीति जो चल रही है योगी जी की, वो एकदम बहुत बढ़िया, बहुत परफेक्ट है। हम लोगों को एक बड़ा अच्छा माहौल मिल रहा है। अब जितनी बालिकाएं आती हैं कहीं कोई टेंशन नहीं, आराम से चली आए, कोई दिक्कत नहीं है। जबकि पहले ऐसा नहीं था, कहीं कहीं पर ऐसा होता था कि कहीं उनका क्षेत्र जब आता था कुछ विशेष लोगों का, तो वहाँ उनका ही एकाधिकार था। अब ऐसा कुछ नहीं, इसलिए मैं पुनः योगी जी को ही मुख्यमंत्री देखना चाहता हूँ। ये बताइए आपका नाम क्या? रामनिवास शुक्ला नाम है। ये बताइए यूपी में नेता कौन अच्छा है? यूपी में सबसे अच्छे नेता हमारे जो माननीय योगी जी हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत लोकप्रिय हैं और बहुत अच्छा जो है उन्होंने काम किया। ये योगी की ही देन है कि हम लोग कोविड में इस स्टेज पर और इस तरीके से रिकवर हुए हैं। अगर यहाँ पर कोई अन्य सरकार होती तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमने देखा है कि अमेरिका वगैरह में कि किस तरीके से कोविड ने जो है आतंक मचा दिया, लेकिन हमारी जो सरकार, केंद्र और राज्य सरकार दोनों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि उसने जिस हद तक इस कोविड जैसी महामारी को लगाम लगाया और जो मेहनत से जनमानस तक जो है अपनी सुविधाएं और अपने जो है प्रोहसन के माध्यम से जो प्रोहसन राशि पहुंचाई है, उसके लिए हम इस योगी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद आभार करते हैं। और हम आशा करते हैं और हम अपने युवा भाइयों से भी निवेदन करते हैं कि इस बार एक बार फिर से योगी सरकार बनाएं, क्योंकि ये दो साल जो ढाई साल रहा COVID-19 का रहा, ये COVID-19 अगर ना होता तो वास्तव में योगी क्या कर सकता है ये विपक्ष देख लेता ये विपक्ष। लेकिन ये COVID-19 की वजह से जो है कुछ सरकार जो है तब भी बहुत हद तक अन्य देशों की अगर तुलना आप कर लीजिएगा COVID-19 महामारी में, तो आपको पता चल जाएगा कि अपना देश किस हद तक और किस स्टेज तक ये जो है इस लड़ाई से, इस बीमारी से लड़ने में जो है कारगर रहा है। और हम सभी से अनुरोध करते हैं कि इस समय ओमिक्रॉन का पुनः जो है आगमन हो चुका है, तो हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि सभी लोग मास्क और एहतियात बरतें, जिससे कि आने वाले समय में भी आप जो है सरकार को दोष ना दें। कोविड में ऑक्सीजन से जो मौतें हुई कौन जिम्मेदार? कोविड में ऑक्सीजन से मौतें हुई, देखो ऐसा था कि कोविड महामारी जो थी बहुत ही विशालकाय स्तर से थी, लेकिन जो तैयारियां थी, जो व्यवस्थाएं थी, उस समय जन मानस सब अस्त व्यस्त माहौल था, तो इसमें हम किसी सरकार का दोष नहीं दे सकते हैं। ये है कुछ लापरवाही रही किसी ना किसी की, लापरवाही है ना, लापरवाही इसमें सरकार की नहीं, सरकार के पास सारी व्यवस्थाएं थी, सब कुछ था, लेकिन कुछ COVID-19 को देखो सबको सुरक्षा की ज़रूरत होती है, सुरक्षा की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए कि ऐसा हुआ कि जो है आवश्यकता जो है की पूर्ति नहीं हो पाई, बस यही है, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं। ये कह रहे हैं योगी सरकार कोविड में जो बहुत अच्छा सराहनीय कार्य किया, ये बताइए आपका नाम क्या? अमर सिंह। ये बताइए 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री देखना चाह रहे हैं? क्यों? क्योंकि अभी कुछ लोग बोल रहे थे, उस भैया बोल रहे थे योगी जी ने उज्ज्वला योजना का योजना लेके आए। उज्ज्वला योजना ये बता दें कि ये केंद्र की सरकार की है कि राज्य सरकार की है? फिर कोई जितने लोग बोल रहे थे ये हमें बता दें कितनी वैकेंसियाँ आई युवाओं के लिए और कितने पेपर लीक हुए। अभी हाल ही में पेपर लीक हुआ
जिसमें करोड़ों रोजगार उसका था, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लॉस हुआ। कोई बच्चा यहाँ पेपर देने आया है, सबसे पहले तो उसका पेपर फॉर्म एग्जाम फीम जमा गया होगा, फिर वहाँ से किराया भाड़ा लगा के आएगा, और फिर जब सेंटर पे पहुँचेगा तो पेपर लीक हो गया। ये सरकार की ही तो कमी है जो पेपर लीक हो रहा है, उसकी सुरक्षा बढ़ाता कुछ भी होता। फिर अधिकतर अभी तक जितनी इन्होंने परीक्षाएं कराई है, कोई भी परीक्षा का परिणाम आज तक आया हो खुल के कोई हमें बताए? अखिलेश जी को पसंद, अखिलेश यादव ने युवाओं को लैपटॉप दिया, युवाओं को रोजगार दिया, कौशल मिशन योजना उन्होंने चलाई, उन्होंने जितनी भी योजना थी युवाओं को उस समय, फिर गांव में चले जाइए, बहुत सारे काम किए, रोड बनाए, लोहिया योजना चलाई थी, उसमें गाँव को बहुत अच्छी योजना मिली, गाँव में आवास मिले। फिर एक योजना चली थी अखिलेश जी ने चलाया था, महिला पेंशन, जो महिलाओं को पेंशन देती थी। बहुत सारी योजना, मैं योजना गिनाते गिनाते थक जाऊंगा, लेकिन योजना खत्म नहीं होती है। आज कोई हमें योगी सरकार की एक भी योजना बता दे जिससे आम जनमानस को लाभ हो रहा है। और यह इनका कहना था, यह जो युवा थे ये 2022 में अपनी रियायत दिए हैं। वक्त बताएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। आई इंडिया से विपिन राजवंशी, सीतापुर। क्योंकि उनकी नीतियाँ, उनकी मैनिफेस्टो, उनकी विचारधारा, सबसे मेन चीज जो यूपी में चल रही विचारधारा। सर जी कह रहे हैं लाखों नौकरियाँ दी, दे दें उनमें से हमको भी दे दे तो हम भी जान जाए। तो वास्तव में योगी क्या कर सकता है ये विपक्ष देख सकता। तो शायद मेरी विचारधारा योगी जी की विचारधारा से मिल रही है। आज कोई हमें योगी सरकार की एक भी योजना बता दे जिससे आम जनमानस को लाभ हो रहा है।